राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के विशेष आवश्यकता समूह शिक्षा विभाग तथा केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है शिक्षकों हेतु ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला आओ बच्चों को समझें। इस श्रृंखला में विशेष आवश्यकता से जुड़े बच्चों की समस्याओं की पहचान तथा उन समस्याओं के समाधान की खोज करने का प्रयास किया गया है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सफलता की ओर। साथियों, पिछले कार्यक्रम में हमने अभिभावकों को बच्चों में मंद बुद्धि होने के कारणों और ऐसे बच्चों की पहचान से संबंधित जानकारी दी थी। उस कार्यक्रम में हमने ये भी बताया था कि कुछ बच्चे बुद्धि में अन्य सामान्य बच्चों से थोड़ा सा कम स्तर के होते हैं। ऐसे बच्चे देखने में या व्यवहार में सामान्य बच्चों से इतने मिलते जुलते हैं कि उन्हें अक्सर सामान्य मान लिया जाता है। इसी कारण उनकी पहचान उस समय तक आसानी से नहीं हो पाती है जब तक कि वो स्कूल में नहीं पहुंच जाते। दरअसल ऐसे बच्चों की पहचान तब होती है जब वे स्कूल जाने लगते हैं और उन्हें पढ़ाने और किसी बात को सिखाने में अध्यापकों को कठिनाई होने लगती है। ऐसे बच्चों की मुख्य समस्याएं हैं किसी बात को भूल जाना, याद नहीं रख पाना, पढ़ने, समझने और सवालों का हल निकालने में कठिनाई होना। आज हम चर्चा करेंगे कि मंद बुद्धि के बच्चों की पहचान कैसे हो सकती है, उनकी कठिनाइयां क्या क्या हैं और उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें किस तरह से शिक्षा दी जाए। तो साथियों, आइए चलते हैं एक स्कूल में जहां श्रीमती सैमुएल और श्रीमती घोष बातचीत कर रही हैं अपनी कक्षा के कुछ बच्चों की समस्याओं पर। क्या बात है मिसेस सैमुएल, आज आप कुछ परेशान लग रही हैं। मिसेस घोष, इन दिनों मैं नेहा के बारे में बड़ी चिंतित हूँ। नेहा? हाँ, नेहा मेरी कक्षा में पढ़ती है। क्या समस्या है उसकी? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है मिसेस घोष कि मैं उसे किस तरह पढ़ाऊँ, कौन सा तरीका अपनाऊँ जिसे वो पाठ अच्छी तरह समझ सके। जो भी पढ़ाओ उसकी समझ में नहीं आता, जबकि दूसरे बच्चे उसी पाठ को बड़ी आसानी से समझ कर याद भी कर लेते हैं। अच्छा, तो ये बात है। क्या उसे ये समस्या इन दिनों में ज्यादा हो रही है या पहले से ही ऐसा होता है? मेरा मतलब है, कहीं उसके घर में तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसके कारण इन दिनों उसका ध्यान? नहीं नहीं, मेरे विचार से ऐसा नहीं है। उसकी ये समस्या पहले भी थी। मैंने उन शिक्षिकाओं से भी बात की है जिन्होंने पहले उसे पढ़ाया था। उनका भी यही कहना है कि नेहा के साथ ये कठिनाई पहले भी थी। अच्छा, तो ये बात है। मेरी कक्षा में भी एक बच्चा है, अभिषेक। वैसे तो देखने में, बातचीत करने में वो बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन वो अच्छा नहीं कर पा रहा है। मासिक परीक्षा सामने है, सभी बच्चों ने कोर्स पूरा कर लिया है, लेकिन उसने तो आधा कोर्स भी अब तक पूरा नहीं किया है। दोहराने की बात तो दूर है। मुझे लगता है कि इस बारे में हमें प्रिंसिपल साहब से बात करनी चाहिए। वो चाहें तो किसी विशेष शिक्षक की मदद ले सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं मिसेस सैमुएल, ऐसे विशेष शिक्षक को स्कूल में बुलाया भी जा सकता है। हाँ, यही ठीक रहेगा। आज ही प्रिंसिपल साहब से बात कर लेते हैं। जी। तो साथियों, श्रीमती सैमुएल और श्रीमती घोष ने जब इस बारे में प्रिंसिपल साहब से बातचीत की तो उन्हें पता लगा
कि स्कूल के एक और शिक्षक ने भी अपनी कक्षा के बच्चों के बारे में उनसे बात की है और वो भी चाहते हैं कि खास तौर से परामर्श लेने के लिए किसी प्रशिक्षित विशेषज्ञ को आमंत्रित किया जाए। फिर क्या था, स्कूल के प्रिंसिपल साहब ने एक ऐसे ही विशेषज्ञ से अनुरोध किया कि वो स्कूल आकर शिक्षकों से इस बारे में बात करें और उन्हें सलाह दें। और एक दिन मेरे साथियों, आज मैं अपने स्कूल में हिमांशु जी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार किया। धन्यवाद। हिमांशु जी, इनसे मिलिए। ये है हमारे स्कूल की शिक्षिका मिसेस सैमुअल। नमस्कार। नमस्कार। और ये है मिसेस घोष। नमस्कार हिमांशु जी। नमस्कार। आप तीसरी कक्षा को पढ़ाती हैं। और हाँ, इनसे मिलिए। ये हैं हमारे एक और शिक्षक। नमस्कार। नमस्कार। आप हैं श्री बालन। तो हिमांशु जी, कुछ दिनों पहले इन्होंने अपनी कक्षाओं के कुछ बच्चों के बारे में मुझसे बात की थी। जी। तो हमें लगा कि इस विषय पर किसी विशेष शिक्षक की राय लेना अच्छा होगा। तो हिमांशु जी, आप तो बहुत समय से ऐसे बच्चों के साथ काम कर रहे हैं और आपका अनुभव भी इस क्षेत्र में बहुत अधिक है। भला इस काम के लिए आपसे बेहतर और कौन हो सकता है? जी हाँ। तो हमने सोचा कि देखिए, ये तो आपका बड़प्पन है। बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? मिसेस सैमुअल जी, आप अपनी कक्षा के किसी बच्चे के बारे में कह रही थी कि उसे पढ़ने में कुछ कठिनाई हो रही है और आपको लगता है कि वो दूसरे बच्चों से अलग है। जी, मेरी कक्षा दो में एक लड़की है, नेहा। वो उम्र में कक्षा के और बच्चों से करीब 11-12 महीने बड़ी है, पर लिखाई पढ़ाई और बोलचाल में वो अपनी उम्र के बच्चों से कम है। आप जरा विस्तार से बताएंगी कि उसे किस तरह की कठिनाई आती है? वो बातें तो करती है, लेकिन बहुत कम शब्दों में। और हाँ, वो कभी पूरे वाक्यों में बात नहीं करती, उसका वाक्य अधूरा ही रह जाता है। जी। वो बहुत ही कम शब्दों में बोलती है, कभी कभी तो इशारे में अपनी बात करती है और दूसरों की बात को ठीक से समझ नहीं पाती। एक ही बात को बार बार कहना पड़ता है। कोई भी नई बात सीखने में उसे दूसरे बच्चों के मुकाबले अधिक समय लगता है। आपका मतलब ये है कि वो अपनी जरूरतें और विचार व्यक्त नहीं कर पाती और उसकी प्रतिक्रिया देर से होती है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हिमांशु जी, मेरी कक्षा में भी अभिषेक नाम का एक बच्चा है। उसकी उम्र और बच्चों से 2 साल ज्यादा है। वो गिनती 100 तक लिख लेता है, तस्वीरें देखकर अक्षर भी पहचान लेता है। जी। लेकिन यदि बीच में से गिनती लिखने को दी जाए तो नहीं लिख पाता, या उसे एक साथ 10, 12 या 15 वस्तुएं गिनने को दी जाए तो उन्हें अंकों के हिसाब से गिन नहीं पाता। और हाँ हिमांशु जी, अलग से अक्षरों को भी नहीं पहचान पाता और अपना नाम लिखने पढ़ने में भी उसे कठिनाई होती है। अच्छा, ये बताइए कि अभिषेक किस कक्षा में पढ़ता है? 3री कक्षा में। इसका मतलब यह है कि उसे अंकों का सही ज्ञान नहीं है। जी। या उसे नंबर कंसेप्ट नहीं है और वो किसी भी अक्षर को तस्वीरों की सहायता से ही पहचानता है। दरअसल वो अक्षरों को सही ढंग से नहीं पहचान पाता। जी हाँ। हिमांशु जी, मेरी कक्षा 4 में भी एक बच्चा है, रोहित। जी। वो कक्षा के और बच्चों से 1.5-2 साल बड़ा है। उसे वाक्यों को जोड़ने और उन्हें पढ़ पाने में मुश्किल होती है, साथ ही वो अंक गणित के प्रश्नों को हल नहीं कर पाता। मुझे लगता है कि इस बच्चे में तर्क शक्ति और विश्लेषण करने की क्षमता में कमी है, इसलिए वो वाक्य ठीक नहीं बना पाता
और सही लिख और बोल नहीं पाता। अच्छा ये बताइए, क्या वो घटाने या जोड़ने की साधारण क्रिया कर लेता है? जहां तक साधारण जोड़ने घटाने का काम है उसे वो कर लेता है, लेकिन आसानी से नहीं। पैसों का हिसाब तो वो आसानी से कर लेता है, पर किताब के सवाल में ज्यादा कठिनाई आती है। अच्छा एक बात पूछनी है आप लोगों से। जी। क्या इन बच्चों की शारीरिक और सामाजिक क्रियाएं भी अपनी उम्र के हिसाब से कम हैं? जी हाँ, ऐसा ही है। आप सबकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि शायद इन बच्चों की बुद्धि का स्तर सामान्य से कम है। जिन बच्चों का मानसिक स्तर सामान्य बच्चों के मुकाबले कम होता है, वे बच्चे कक्षा में अन्य बच्चों के बराबर के वो काम नहीं कर पाते जो इन्हें इस आयु में आमतौर पर करने चाहिए। अच्छा। देखिए, मेरा सुझाव है कि आप लोग इनकी बुद्धि मापने के लिए किसी मनोवैज्ञानिक से संपर्क करें। क्या इन बातों के अलावा भी कुछ और कठिनाइयां होती हैं जो ऐसे बच्चों को पहचानने में मदद करती हैं? जी हाँ, ऐसी और कई बातें हो सकती हैं, जैसे कुछ बच्चों को किसी काम में अधिक ध्यान लगाने में कठिनाई होती है। जी। यानी इनका अटेंशन स्पैन सामान्य बच्चों से कम होता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें एक क्रिया को छोड़कर दूसरी क्रिया को शुरू करने में कठिनाई होती है। अच्छा। जी हाँ, और कुछ बच्चे याद की हुई बातों को जल्दी ही भूल जाते हैं। ऐसा भी होता है। इतना ही नहीं, कुछ बच्चों में तो विकासात्मक कार्य करने में कठिनाई पाई जा सकती है, जैसे कि वो आंखों का, हाथों का और शरीर के अन्य अंगों का आपस में तालमेल नहीं बैठा पाते। अच्छा। वो क्या होता है मानशु जी? हाँ। यानी बच्चा जिस वस्तु को देखकर छूना चाहता है उसे अक्सर छू नहीं पाता। अच्छा। कुछ बच्चे कोई भी कार्य स्वयं निर्णय लेकर नहीं कर पाते जी। और उन्हें प्रश्न पूछने, बातचीत शुरू या समाप्त करने में परेशानी होती है। ठीक। क्या कोई और भी समस्या होती है? हाँ, कुछ बच्चों में इन सब के साथ साथ व्यवहार संबंधी और सामाजिक व्यवहार संबंधी कठिनाइयां भी देखी जा सकती हैं, जैसे गुस्सा जल्दी आना, जिद करना, भावनाओं पर काबू न कर पाना और दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल ना पाना। हिमांशु जी, ऐसे बच्चों को सिखाने और पढ़ाने के क्या उपाय हो सकते हैं जिससे कि वो अपने आप काम बेहतर ढंग से कर सकें? देखिए, जैसा कि आप लोगों ने बताया कि ये बच्चे देर से समझते हैं जी, और इन्हें याद करने में भी कठिनाई होती है। बिल्कुल। इसलिए इन्हें सिखाने का बेहतर तरीका है, आप जो भी सिखाना चाहते हैं जी उसको आसान बनाकर सिखाइए। समझ गए ना आप? मेरा मतलब है किसी कार्य का विश्लेषण करके उसे सिखाने लायक छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए जी, और एक बार में एक ही हिस्सा लेकर उसका बार बार तब तक अभ्यास कराइए जब तक बच्चा उसे पूरी तरह से सीख न ले। अच्छा, अभ्यास जरूरी। हाँ, कुछ बातों का जरूर ध्यान रखिए, जैसे जी हमेशा सरल से कठिन की ओर जाएं। सरल से कठिन की ओर। बच्चा जो कुछ जानता है उसी से शुरू करके बच्चे को वहां तक ले जाएं जो आप उसे सिखाना चाहते हैं जी। सबसे बड़ी बात है बच्चे को सफलता का अनुभव कराना और साथ ही हर सफल प्रयास पर उसे प्रोत्साहित करना। अच्छा, उन्हें प्रोत्साहित कैसे करेंगे? हाँ, पीठ थपथपाकर, उन्हें शाबाशी देकर, तारीफ करके या कक्षा में एक दिन का मॉनिटर बनाकर उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकता है। हिमांशु जी, अभी कुछ देर पहले आप बता रहे थे कि किसी चीज को सिखाने के लिए उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। जी। इसे जरा विस्तार से बताएंगे? हाँ, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, पहली बात तो हुई किसी कार्य की विभिन्न क्रियाओं को छोटे छोटे हिस्से में बांटना। अच्छा। अब इन छोटे छोटे हिस्सों को भी
हम कई तरह से सिखा सकते हैं। सबसे पहले उन्हें क्रम में लगाइए, जैसे एक चेन बनाते हैं। ठीक है। अच्छा। एक हिस्सा जब बच्चा भली भांति सीख जाए तो उसे प्रोत्साहित करें और इसके बाद ही अगले हिस्से में जाएं। हिमांशु जी, क्या वो कार्य बच्चे को खुद करके दिखाना पड़ता है? जी हाँ, खुद करके दिखाना ही, यानी खुद करके सिखाना ही अच्छा तरीका है। आप स्टेप बाय स्टेप, यानी क्रम से करके दिखाएं जी, और बच्चा आपको देख कर करे। ठीक। इसमें किसी दूसरे बच्चे की मदद भी ली जा सकती है जिसे ये काम आता हो। अच्छा। क्या हर स्टेप के बाद बच्चा उसे स्वयं करके दिखाए? जी हाँ, ये काम पर निर्भर करता है। अगर काम लंबा और कठिन है तो हर स्टेप के बाद बच्चे से करवा सकते हैं। इस क्रिया में सिखाते समय जो मदद आप देते हैं जी, उसे धीरे धीरे कम करते जाते हैं। अच्छा। जैसे पहले आप शारीरिक मदद देते हैं जी, और देखते हैं कि बच्चा सीख रहा है, तो बाद में बोलकर मदद दें। अच्छा। और फिर केवल इशारे से सिखाएं। अच्छा। इसी प्रकार यदि लिखना सिखा रहे हैं तो पहले आप लिखें। अच्छा, अच्छा। आपको लिखते देखकर बच्चा लिखे और फिर देखकर नकल करे और फिर स्वयं लिखे। बिल्कुल ठीक। हमेशा याद रखिए कि सफल प्रयास पर प्रोत्साहन देना, क्रिया का बार बार अभ्यास कराना और हिस्सों में बांटकर सिखाना ही सही तरीका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। उम्मीद है फिलहाल तो हमारी समस्या हल हो ही गई है। हिमांशु जी, आज आपने हमें बड़ी अच्छी जानकारी दी। हम इनको प्रयोग में लाकर देखेंगे और आपको जरूर बताएंगे। जरूर जरूर जरूर। आपका धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। 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 तो साथियों, सब बच्चों की बुद्धि की मनोवैज्ञानिक से जांच करने पर पता लगा कि ऐसे बच्चों की बुद्धि अपने हमउम्र बच्चों से कम है। यदि किसी बच्चे में ऐसे लक्षण दिखें तो निश्चित करें कि उसकी जांच किसी मनोवैज्ञानिक से अवश्य कराएं। लगातार निरीक्षण और मनोवैज्ञानिक परीक्षण ही ऐसे बच्चों के लिए सफलता की ओर कदम है। सफलता की ओर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षकों के मार्गदर्शन हेतु अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन प्रोफेसर कुसुम शर्मा, विषय परामर्श हेलेन सैमुअल, उषा ग्रोवर, अर्चना और श्रीमती घोष, परियोजना मार्गदर्शन प्रोफेसर नीरजा शुक्ला, कलाकार नीरज शर्मा, मंजू मैनी, दिनेश वर्मा, आशा ब्राउन, गीता वर्मा और राम मैनी, ध्वनियांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी और मुकेश पंत, तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।